सवाल ये होता है कि बच्चों को किस तरह से तालीम दी जाए और आने वाले वक्त में हमारी जरूरत क्या होगी। जुबेर भाई ने जैसे बताया इनके दोस्त के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद है कि वो जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन वहां तक बोल देते हैं कि लॉर्ड गणेश। तो हमको ये सारी चीजों से बचने के लिए एजुकेशन की लाइन में भी हमारे खुद के इदारे होना जरूरी है। हमारे पास हालांकि हमारे पास दीनी इदारे काफी है, अगर हमारे दीनी इदारे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी इंतजाम करें तो उससे तालीम में और इजाफा हो जाएगा। आने वाला वक्त ये है कि अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी दीनी और दुनियावी दोनों, तो हम ये दुनियावी कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। इससे ये नहीं है कि हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा, रोजी और मौका देने वाला तो ऊपर वाला है, वो तो उसने हम जब पैदा हुए तभी दिखती थी। यहाँ पे कई लोग हैं बड़ौदा में भी कि हमारे में नहीं किसी और जमात में कि जो चार चौकी पड़े हैं और महाराजा के लेवल में खड़े हो चुके। तो एजुकेशन और पैसा दोनों साथ चलते ऐसा नहीं है, लेकिन एजुकेशन का होना जरूरी है। और अगर हमारे में एजुकेशन होगा, अच्छी तालीम और तरबियत होगी, तो हम हमारा भला बुरा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मैं यहीं पर मेरी बात खत्म करता हूं और फिर से इस इदारे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। खुदा हाफिज। गुजरात फेडरेशन के नायब सदर अल्ताफ भाई कापड़िया जो विसनगर से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। भाई ऐसा इस तरह का मिक्स फ्रूट बहुत कम मिलता है, समझ रहे हो? आप लोग कहेंगे भाई इतना वक्त हो गया और सबको बुला रहे हैं, तो ये मिक्स फ्रूट वैरायटी बहुत कम मिलती है। इसके बाद अफजल भाई कड़िया वाला जो कड़ी से तशरीफ लाए हैं और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तैयार रहे। अफजल भाई कड़िया वाला आगे आ जाए। सदर जलसा मोहतरम मुकर्रम मलिक वाल साहब, मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम, मुअज्जिज़ सामे किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अभी हिंदुस्तान की तारीख बदलने की एक कोशिश चल रही है, जो हम सब जानते हैं। मुसलमानों का रोल क्या था और आज मुसलमानों को कहां पर रखा गया है वह हम सब जानते हैं। और इस चीज में मुसलमानों ने कोताही की है अपनी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए बहुत अच्छी गुजारिश है। मेरे आगे जुबेर भाई और जिससे भी अहबाबों ने जो बात कही कि उन मुदारिसों के साथ असली तालीम को भी जोड़ना था, और अगर इसको साथ लेकर चले होते तो आज मुसलमानों की कुछ और हालत होती है। अभी हमारे पास वक्त है, उसी सलमान साहब ने ये कोशिश की है और ये कोशिश यहाँ तक महदूद न हो कि 10वीं 12वीं क्लास तक, लेकिन बच्चे असली तालीम में भी जो है वो ऐसा हो कि जिसकी जरूरत पूरे समाज को हो, और वो जो बच्चा हो वो मुसलमान बच्चा हो, यानी उसके दिल में ईमान हो, मुसलमानी जज्बा हो, तो वो बच्चा जो है हिंदुस्तान की तवारीख की करवट बदल सकता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का
पूरी तरह से इनका ध्यान रखना, उनको आगे बढ़ाना और उनके जरिए से हमारे लिए हिंदुस्तान की एक शक्ल बनाना, वो हमारा फरीजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में सिर्फ एक ही जगह पर पूरी कियादत फरमाई और दीनी असली तालीम, जंग के हर एक मशवरे, समाजी हर एक मशवरे वहां से होते थे। और वो चीज प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई कि हमको भी ऐसी जगह कायम करनी है कि जहां से मुसलमानों के भी हर एक मशवरे हो, हर एक बातों का ऐलान हो और मुसलमान ऊपर जम कर चले। अल्लाह करे हमारी समझ में सब बातें आए, मुझे भी उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद देता हूँ मैं मौली मुफ्ती सलमान साहब को, किनको उन्होंने ये कदम उठाया है, हम उसके कदम को और बढ़ा दें और नई नई जगहों पे ऐसे इदारों कायम कर दें जहाँ हमारे बच्चे भी जाते हैं वहाँ कुफराना कलाम सीखते हैं। उससे बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हमारे मदरसों को, हमारी जगहों को, हमारे स्कूलों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में जोड़ा जाए। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुफ्ती सलमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।